अयोध्या फैजाबाद भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा पर लोकसभा फैजाबाद की सीमा अहमदपुर टोल प्लाजा से लेकर अयोध्या नया घाट तक सैकड़ों स्थानों पर पुष्पांजलि मानव श्रृंखला बनाकर भारी पुष्पों की वर्षा की गई। अस्थि विसर्जन यात्रा के रथ पर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री गिरीश चंद्र यादव व प्रदेश उपाध्यक्ष अश्वर लाल गौड़ सवार थे। इसी कड़ी में बताते चलें, अस्थि कलश अयोध्या की सरहद पर पहुँचते पहुँचते संतों महंतों द्वारा मठ मंदिरों द्वारा पुष्प वर्षा विसर्जित की गई। मां सरयू सलिल में अस्थि कलश विसर्जन करने वालों में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सांसद लल्लू सिंह व अयोध्या के पांचों विधायक व मंत्री अनुपम जायसवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। और क्या लेना चाहते हैं बताइए? मैं ये चाहता हूँ जिन 100 नदियों में इनके अस्थि कलश अटल जी की अस्थियाँ प्रवाहित की जा रही हैं, उन 100 नदियों को आपस में जोड़ा जाए। अटल जी की ये हार्दिक इच्छा थी कि सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे न कहीं बाढ़ आए न कहीं सूखा आए। यदि कहीं बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं आएगा, सब जगह पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तो देश में हरियाली बढ़ेगी, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा, किसान और समृद्ध हो जाएगा, देश विकास के रास्ते पर जाएगा और जो विकास का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। सारी नदियों को आपस में जोड़ा जाए, 100 नदियों को, और इसके अलावा जो नदियां छूट रही हैं उनको भी जोड़ दिया जाए आपस में। क्या बीजेपी गवर्नमेंट ये करने को तैयार हो जाएगी? मैं भाजपा शासन से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अटल जी भाजपा के भी महान नेता हैं, उसके संस्थापक हैं और सारे देश को लेकर चलते हैं, तो भाजपा को मैं ये प्रस्ताव करता हूँ कि जो उनकी हार्दिक इच्छा थी सारी नदियों को, सब नदियों को जोड़ने की, वो उनकी इच्छा को पूर्ण की जाए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम राज नारायण आर्य। रामनगरी अयोध्या के सावन माह में मंदिरों में चल रहे झूलोत्सव अपने चरम पर मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के मंदिर में एक संत की बेरहमी से हाथ पैर बांधकर व गला घोटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के विद्याकुंड के पास स्थित विद्या माता मंदिर के अंदर बलिया जिले के रहने वाले 65 वर्षीय संत राम शरण दास का बेरहमी से हत्या कर दिया गया। यह हत्या मंदिर के नीचे स्थित एक कमरे में हाथ पैर बांधकर मुंह को दबाकर किया गया। सूत्रों के मुताबिक माने तो यह हत्या मंदिर के कब्जेदारी के विवाद को लेकर हुआ। विद्या मंदिर में मृतक संत राम शरण दास व संत परमात्मा दास के बीच पिछले कई वर्षों से मंदिर कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के कारण दोनों पक्ष कई बार जेल भी जा चुके हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही फैजाबाद DIG ओमकार सिंह, SSP मनोज कुमार, SPCC अनिल सिंह सदौदिया, CO राजीव कुमार साव भारी संख्या में पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम जांच में जुट गई। वहीं सूचना पर रायगंज चौकी इंचार्ज यशवंत द्विवेदी गत रात शाम को वहां गए पर मामले की पुष्टि न होने पर वापस लौट आए। बाद में सच में हत्या की पुष्टि हुई तो फिर घटनास्थल पहुंचे। DIG ओमकार सिंह ने बताया कि विद्या मंदिर में रहने वाले संत राम शरण दास की हत्या की गई। यह हत्या मंदिर के कब्जेदारी विवाद को लेकर देखा जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। मृतक के करीबी रहे शनि दास के द्वारा लिखित सूचना के आधार पर संत परमात्मा दास को हिरासत में ले लिया गया है। जल्द ही हत्या के पीछे की मुख्य वजह सामने आ जाएगी। बहरहाल अभी मंदिर विवाद व कब्जे का मामला सामने आ रहा है। अभी प्रारंभिक स्तर पर जो जानकारी आई है वो ये रामचरण दास बाबा थे, जहां हम लोग इस परिसर में खड़े हैं यहां पर वो थे, और 11 बजे रात में पुलिस अयोध्या पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी हत्या हो गई है। वो सूचना देने वाले उनके एक साथी थे जो कभी कभी उनके साथ में आके बैठते थे, उन्होंने सूचना दिया था। और एक संदेह इस बात का है कि ऊपर इसके परिसर में एक दूसरे महंत जी रहते हैं, उनसे लेकर के थोड़ा विवाद है, पीछे एक मुकदमा भी कायम हुआ है उनके में, तो उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है पूरी चीज़ों को समय, क्योंकि उस समय जब ये घटना हुई है कौन लोग मौजूद थे ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिन व्यक्ति ने सूचना दी वो बाद में आए हैं सूचना दी है, और इस बात की संभावना प्रारंभिक छानबीन से लग रही है कि ये घटना 7 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में हुई होगी, क्योंकि खाना बना हुआ रखा हुआ।
फैजाबाद नगर के नाकाचुंगी स्थित फन लैंड प्रदर्शनी एवं मेला की तरफ से सावन के आखिरी माह में आज प्रभु शिव भगवान को फूल माला चढ़ाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने हर हर महादेव की जय घोष करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। इस अवसर पर बीरेन जायसवाल, जितेन जायसवाल, सत्येन बिक्की के साथ सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। भंडारा किया गया है फन लैंड प्रदर्शनी एवं मेले की तरफ से।